दोस्तों आज हम कंपेयर कर लेंगे AMD का Ryzen 5 5600H और AMD का ही Ryzen 5 4600H। मैं इन दोनों प्रोसेसर्स को इसीलिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि 70 से 60,000 की रेंज में जो भी हमारे गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग लैपटॉप्स आते हैं, तो जो AMD वाले जो लैपटॉप्स होते हैं उनमें इन दोनों प्रोसेसर्स में ही कोई एक प्रोसेसर लगा होता है, या तो वो 5600H होता है या फिर वो 4600H होता है। हाँ, एक बेसिक डिफरेंस तो दोनों में है कि 4600H जनवरी 2020 में रिलीज़ हुआ था और 5600H जनवरी 2021 में, यानी कि इसी साल हुआ है। लेकिन इन दोनों की परफॉर्मेंस में ओवरऑल क्या क्या डिफरेंस है, और अगर आपको कोई लैपटॉप चूज करना है और उसमें आपको चूज करना है कि 4600H वाला प्रोसेसर लिया जाए या फिर 5600H वाला प्रोसेसर लिया जाए, तो इस वीडियो के द्वारा आपकी ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप अपने बिग ब्रदर के साथ जुड़ जाएं और इस तरह की इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो आप लोगों को मिलती रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि AMD Ryzen 4600H और AMD Ryzen 5 5600H में कौन सा बेहतर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं दोनों ही प्रोसेसर्स की स्पीड। तो AMD Ryzen 5600H की जो बेस स्पीड है वो है 3.3 GHz और AMD Ryzen 5 4600H की जो बेस स्पीड है वो है 3 GHz। तो इसमें 0.3 GHz की बेस स्पीड आपकी 5600H में ज़्यादा है। क्लियरली 5600H इज़ द विनर इन केस ऑफ द बेस स्पीड। तो अगर हम इन दोनों की टर्बो स्पीड कंपेयर करें तो 5600H की टर्बो स्पीड है 4.2 GHz और 4600H की टर्बो स्पीड है 4 GHz। इस केस में भी 0.2 GHz से आपका 5600H आगे निकल जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ बेस स्पीड और टर्बो स्पीड दोनों में ही AMD Ryzen 5 5600H आपके AMD Ryzen 5 4600H से आगे निकल जाता है। अब अगर हम इन दोनों लैपटॉप्स की कैशे मेमोरी कंपेयर कर लें तो AMD Ryzen 5 5600H की L3 कैशे आपको 16 MB की मिलती है और AMD Ryzen 5 4600H की L3 कैशे आपको 8 MB की मिलती है, यानी कि 8 MB की L3 कैशे आपको 5600H में ज़्यादा मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा लीड है दोस्तों, 5600H कैशे मेमोरी के डिपार्टमेंट में काफ़ी आगे निकल जाता है। तो अगेन 5600H इज द विनर इन टर्म्स ऑफ कैशे मेमोरी ऑल्सो। तो अब दोनों प्रोसेसर्स की रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं। हालांकि ये मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो आपका 5600H है वो इसी साल 2021 जनवरी में रिलीज़ हुआ है और आपका जो 4600H है वो जनवरी 2020 में रिलीज़ हुआ है। दोनों ही प्रोसेसर में 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, तो इस फील्ड में इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों प्रोसेसर बिल्कुल सेम है। तो अब अगर हम इन दोनों प्रोसेसर्स के गीक बेंच स्कोर को और सिने बेंच स्कोर को कंपेयर कर लेते हैं तो AMD Ryzen 5 5600H आपके सिने बेंच स्कोर में, आपके सिंगल कोर परफॉर्मेंस में ये 4600H को 18% से बीट कर जाता है, यानी कि 18% इसकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस बेटर है जब आप सिने बेंच स्कोर देखते हैं। अगर आप मल्टी कोर परफॉर्मेंस देखें तो सिनेबेंच स्कोर में मल्टी कोर परफॉर्मेंस 5600H की सिर्फ 9% ज़्यादा है, जो कि कुछ खास डिफरेंस नहीं है। मैं इसको सिर्फ 19-20 का डिफरेंस ही मानता हूँ। तो मल्टी कोर परफॉर्मेंस में आपका 5600H कुछ ज़्यादा आगे नहीं है। तो अब अगर हम दोनों प्रोसेसर्स का गीक बेंच स्कोर देखें तो Ryzen 5 5600H का सिंगल कोर परफॉर्मेंस 26% बेटर है आपके 4600H से। तो गीक बेंच स्कोर में आपका सिंगल कोर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है Ryzen 5600H की, और मल्टी कोर परफॉर्मेंस में भी आपके गीक बेंच स्कोर में 32% बेटर है Ryzen 5600H का। तो अगर Ryzen 5600H का मल्टी कोर परफॉर्मेंस देखें तो गीक बेंच स्कोर में आपको 32% बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलती है 5600H की एज कम्पेयर्ड टू 4600H। अब 32% बेटर परफॉर्मेंस एक काफ़ी बड़ा
नंबर है इसको हम 19-20 का डिफरेंस मानकर इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप अगर देखें तो ओवरऑल आपका 5600H आपके 4600H से काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ सिंगल कोर परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मल्टी कोर परफॉर्मेंस। हाँ, अगर हम पावर कंजम्पशन देखते हैं तो जो 4600H है उसकी पावर कंजम्पशन कम है और जो 5600H है उसकी पावर कंजम्पशन थोड़ी सी ज़्यादा है। इससे आपको क्या फ़र्क पड़ सकता है कि जिस लैपटॉप में 4600H लगा होगा उसकी बैटरी की जो परफॉर्मेंस है, बैटरी की जो बैकअप है वो बेटर होगी, और जिस लैपटॉप में AMD Ryzen 5 5600H लगा होगा उसकी बैटरी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम होगी। लेकिन बस यही फ़र्क है दोनों में, अदरवाइज 5600H हर डिपार्टमेंट में आपके 4600H से आगे निकल जाता है। इसीलिए अगर आप 70,000 की रेंज में कोई लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आप AMD Ryzen 5 5600H वाला प्रोसेसर वाला जो लैपटॉप है आप उसको ही लेना कंसिडर कीजिए, क्योंकि अगर आपको पैसे लगाने ही हैं तो बेस्ट चीज़ में लगाइए, एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ में लगाइए जो आने वाले काफ़ी टाइम तक आपका साथ दे सके। तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, इस चैनल के बारे में आपके कोई सुझाव है तो वो भी बिल्कुल बिंदास तरीके से नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप लोगों का डिसीजन मेकिंग हो जाए बिल्कुल आसान और आप लोग अपने पैसे को एक सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए प्रोडक्ट के साथ या फिर किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।